Om. Ritu. काल का कल्पित रूप से मापन करने वाली विभिन्न इकाइयों दिन रात दोपहर घड़ी पहर, महीना, ऋतु अयन वर्ष युग आदि में ऋतु ही एकमात्र सत्ता है जो निराकार भगवान को साकार बना देती है बसंत का उल्लास कृष्म की प्रचंडता वर्षा की शीतलता शरद की अमृतमयी चंद्रिका हेमंत की सुनहरी छटा शिशिर की आतुर विहलता स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है ऋतुओं में परमात्मा की परम पावन छटा स्पष्ट रूप से लक्षित होती है मानव को माधव से मिलाने प्रकृति के स्वामी भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होकर मानव हृदय को आकर्षित करते हैं सुदर्शन सुदर्शन भगवान के हाथ का सायुध आभूषण होने के साथ गतिशील जगत का चलता-फिरता प्रतीक भी है भगवान अपने भक्तों को सुगमता से दर्शन दे देते हैं तथा भक्तों के दुखों को अपने सुदर्शन चक्र से दूर कर भक्तों को निर्भयता प्रदान करते हैं इसीलिए भगवान सुदर्शन नाम से सुशोभित हैं। काल सबकी गणना करने वाले अर्थात जो प्रत्येक व्यक्ति के गुणों और दोषों का आकलन करके उपयुक्त फल देता है भगवत गीता कहती है मैं गणना करने वाला काल हूँ काल मृत्यु देवता का भी नाम है और इस भाव में इसका अर्थ है परमेश्वर जो अपने सभी शत्रुओं के लिए साकार मृत्यु या विनाश ही है परमेष्ठी परमेष्ठी अर्थात जो अपनी महिमा में स्वयं प्रतिष्ठित है जो हृदय की परम गुहा में अनुभव के लिए सहज एवं अपरोक्ष रूप से उपलब्ध वे भगवान विष्णु हृदया में परमेषी रूप से सुशोभित हैं परिग्रह सर्व सुलभ होने के कारण भगवान विष्णु शरण में आए भक्तों द्वारा सर्वत्र अनुभव गम्य रहते हैं भक्तों द्वारा अर्पित पत्र पुष्प फल जल अथवा सुंदर विचार निष्काम भाव सभी ग्रहण कर प्रसन्न होते हैं भगवान अपने भक्तों के गुण दोष पाप पुण्य सुख दुख हर्ष शोक सब स्वयं ग्रहण कर लेते हैं इसलिए परिग्रह नाम से शोभित हैं। उग्र उग्र अर्थात भयंकर भगवान विष्णु दुष्ट पापियों को भयभीत करते हैं और उपनिषद उद्घोष करता है उग्र भगवान के भय से अग्नि तपती है सूर्य प्रकाशित होता है तथा भय से इंद्र, वायु और मृत्यु अपने निर्धारित कार्य तीव्रता और बिना विलम्ब के क्रियान्वित करते हैं इसलिए विष्णु जी के भयंकर रूप को उग्र भी कहते हैं संवत्सर संवत्सर जो संपूर्ण भूतों का वास स्थान है भगवान विष्णु वर्ष भी हैं जो सभी प्राणियों का एकमात्र आवास है समय विस्तृत है और उसमें सारे प्राणी विद्यमान रहते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं दक्ष भगवान सब में स्वयं बसते हैं तथा सबको बसाते हैं सभी दृष्टि से भगवान के अलावा चतुर दक्ष कोई और हो ही नहीं सकता है ईश्वर पूरे ब्रह्मांड के सृजन पोषण और विनाश का कार्य सरलता कुशलता परिश्रम और शीघ्रता से क्रियान्वित करते हैं इसलिए दक्ष कहलाते हैं विश्राम विश्राम का स्थान अर्थात प्रशांति वह अवस्था जिसमें संसार के पीड़ित व्यक्ति पूर्ण विश्राम और शांति प्राप्त करते हैं वह परम चैतन्य श्री नारायण ही हैं भगवान का नाम स्मरण ही विश्राम का अमोक साधन है विश्व दक्षिण भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति पालन पोषण और लय अति दक्षता से करते हैं जहाँ भी कोई जीव में दक्षता अथवा कोई विभूति के दर्शन हो उसे परमात्मा का रूप ही मानना चाहिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से दक्षिणा रूप में विश्व मांग लिया था तीन पैर में विश्व को मापने की दक्षिणा स्वीकार करने के कारण भगवान विश्व दक्षिण नाम से विख्यात हो गए विस्तार परमेश्वर का यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रलय काल में नाम और और रूप का पूरा जगत उस ईश्वर में बस जाता है है। वहां सबके लिए पर्याप्त स्थान विस्तार शब्द का अर्थ प्रकटीकरण भी हो सकता है क्योंकि परमेश्वर स्वयं में पूरे विश्व का प्राकट्य करता है स्थावर स्थानों भगवान विष्णु अचंचल तथा स्थिर हैं। सृष्टि उनमें समाई हुई है तथा वे सृष्टि में समाये हुए हैं फिर भी उनमें कोई हलचल नहीं है वे अपने स्थान पर स्थिर दृढ़ एवं अडिग हैं सृष्टि की उत्पत्ति तथा लय से निर्लिप्त हैं सृष्टि की उत्पत्ति कितनी भी हो जाए वे अव्यय अचंचल निर्विकार रहते हैं तथा सृष्टि लय होकर उनमें समा जाती है फिर भी वे अनंत निधि समस्त जीवों को अपने में विश्राम देकर भी स्थिर रहते हैं प्रमाणम भगवान विष्णु हैं इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है उनके लिए बाहरी प्रमाण व्यर्थ ही है वे तो स्वयं सिद्ध तत्व हैं संसार है इसमें सब जीव हैं जीवों की चेतना ही प्रभु के होने का प्रमाण है भगवान जड़ चेतन के स्वामी हैं उनका निरंतर विस्तृत स्थावर शाश्वत अस्तित्व का प्रमाण जीव की चेतना है वे समस्त विद्याओं के स्वामी हैं, समस्त वेद पुराण शास्त्र तत्व ज्ञान उनका ही स्वरूप है गीता में कहा है जीवों में जो भी ज्ञान विद्या रूपी विभूति का दर्शन होता है वह स्वयं भगवान विष्णु के स्थित होने का प्रमाण है बीजम व्ययम भगवान विष्णु निर्विकार बीज हैं, जो स्वयं अमिट रहकर सृष्टि का विस्तार करते हैं सृष्टि में जो बीज से वृक्ष बनते हैं उनमें बीज का अस्तित्व नष्ट हो जाता है भगवान विष्णु ऐसे अविनाशी बीज रूप है, है। गीता अध्याय दस श्लोक उनचालीस में कहते हैं चर और अचर सब भूतों की उत्पत्ति का कारण वे स्वयं हैं और उनके बिना विश्व हो ही नहीं सकता इसलिए भगवान को बीजम व्ययम नाम से सुशोभित किया गया है अर्थ जिसकी सब आराधना करते हैं जिसका सबके द्वारा आवाहन किया जाता है भगवान नारायण की सभी कामना करते हैं क्योंकि वही आनंद स्वरूप परमात्मा है यहाँ तक कि एन्द्रिय पदार्थों से उन्मत्त भी परमात्मा की खोज में है क्योंकि जो आनंद व्यक्ति चाहता है वह परमात्मा का ही स्वरूप है अनर्थ भगवान विष्णु पूर्णता की मूर्ति हैं उन्हें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए उनके प्राप्त करने योग्य संसार में कुछ है भी नहीं इसलिए श्री विष्णु अनर्थ कहलाते हैं जिसमें कोई कामना न हो स्वार्थ की गंध तक न हो वही अनर्थ कहला सकता है कहा भी है चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह जिनको कछु न चाहिए सोई महाकोश परमात्मा का कोश अति विशिष्ट विशेषताओं वाला कोश है उसमें से जितना भी निकाला जाए उतना और बढ़ जाता है यही भगवान का आनंदमय कोश है जो अन्नमय कोश मनोमय कोश प्राणमय कोश तथा विज्ञानमय कोश से सर्वश्रेष्ठ है आत्मा श्री नारायण ही जगदीश्वर के रूप में समष्टि कोशों से उपहित है आत्मा इन्हीं पांच कोशों के माध्यम से कार्य करती है इसलिए महाकोश है महाभोग, महा के स्वामी भगवान विष्णु ही महाभोगी हो सकते हैं संसार के समस्त जीवों के भोग अंततः परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं पार्थिव एवं अपार्थिव कोश एवं भोग की पराकाष्ठा भगवान विष्णु ही हैं। महाधन भगवान अपने भक्तों पर कृपा करके उन्हें सुख शांति समृद्धि प्रदान करते हैं भगवान विष्णु श्री यानी लक्ष्मी माँ युक्त श्रीमान हैं उनके पास तो अक्षय धन है उनके भक्त परमानंत रूपी महाधन सदैव प्राप्त करते रहते हैं हरि ओम, श्री विष्णवे नमः